बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज 3, बुक 13 और बुक रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 27 to 40 हम अब सॉल्व करने लगे हैं। ये था हमारा लास्ट टॉपिक बुक 13 का। तो कर लिया, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करें द हैप्पीनेस इंडस्ट्री, हाउ द गवर्नमेंट एंड बिग बिजनेस सोल्ड अस वेल बींग। हैप्पीनेस इज़ द अल्टी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपने इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन कहाँ से यहाँ तक है। हैप्पीनेस इज़ द अल्टीमेट गोल बिकॉज इट इज़ सेल्फ एविडेंटली गुड। इफ़ वी आर आस्ड वाई हैप्पीनेस मैटर्स, वी कैन गिव नो फर्दर एक्सटर्नल रीजन, इट जस्ट ऑब्वियसली डज मैटर। दिस प्रोनाउंसमेंट बाई रिचर्ड लेयर्ड। साथ साथ हम की वर्ड्स को भी अंडरलाइन करते जाएंगे। एन इकोनॉमिस्ट एंड एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी summarizes the beliefs of many people today. For it is obvious that the purpose of government is to promote a state of collective well-being. The only question is how to achieve it, and here positive psychology, a supposed sign that not only identifies what makes people happy but also allows their happiness to be measured, can show the way, equipped with the science. They say government can secure happiness in society in a way they never could in the past. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इनकी वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं, और अगर आपको ना समझ आए तो आप ट्रांसलेशन कर लिया करेंगे साथ साथ। अंडरलाइन हम किसको करते हैं, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउंस। कीवर्ड्स को हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 to 27 to 29 पे। ये हमारे एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज का आंसर हमेशा किधर होता है, पैराग्राफ के एंड पे होता है। व्हाट इज़ द रिव्यूअर्स एटीट्यूड टू एडवोकेट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। हम ढूंढेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी किधर है, और रिव्यूअर्स एटीट्यूड क्या है। दे आर रॉन्ग टू रिजेक्ट द आइडियाज ऑफ बैंथम, दे आर ओवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टडी ऑफ बैंथम्स थ्योरीज, दे हैव अ फ्रेश न्यू अप्रोच टू आइडियाज ऑन ह्यूमन हैप्पीनेस, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द आइडियाज दे शुड बी कंसिडरिंग। सबसे पहले हम लोग सर्च क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये किधर है, ये आ गया पॉजिटिव साइकोलॉजी। अ सपोज साइन दैट नॉट ओनली आइडेंटिफाइज बट मेक्स पीपल हैप्पी बट ऑल्सो अलाउज देयर हैप्पीनेस टू बी मेजर्ड, कि उनकी हैप्पीनेस को मेजर करें कि वो लोग कैसे खुश रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, अबाउट द आइडियाज दे शुड बी कंसिडरिंग। इसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें जरा। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ टू अचीव इट एंड बिहेव पॉजिटिव। आई सपोज साइन दैट नॉट ओनली आइडेंटिफाइज बट मेक्स पीपल हैप्पी बट ऑल्सो अलाउज देयर हैप्पीनेस कैन शो द वे, इक्विप्ड विद दिस साइंस दिस से गवर्नमेंट्स कैन सिक्योर हैप्पीनेस इन सोसाइटी इन अ वे दे नेवर कुड इन द पास्ट। दे आर इग्नोरेंट अबाउट द आइडिया दे शुड बी कंसिडरिंग, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। हमारा आंसर क्या है, डी। The reviewer refers to the Greek philosopher Aristotle in order to suggest that happiness kya hai? May not be just pleasure and absence of pain, should not be the main goal of humans, is not something that should be fought for, is not just an abstract concept. ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, ये मे हैड अबंडेंट हैप्पीनेस विद सेल्फ रियलाइजेशन फोर सेंचुरी बीसी एंड थिंकर थ्रू आउट द एजेस मे हैव स्ट्रगल टू रिकनसाइल द पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस दैट अदर ह्यूमन विल्स, बट फॉर यहाँ तक ऑल दिस वॉज मेयर मेटाफिजिक्स ऑफ फ्रिक्शन विदाउट नोइंग एनीथिंग मच ऑफ हिम आर द, इसके लिए क्या है ये, and thinkers throughout the ages may have struggled to reconcile the pursuit of happiness and with other human values.
For Bentham, it was obvious that human good consists of pleasure and the absence of pain. Pleasure and the absence of pain. तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ये absence of pain first वाला A. According to Davis, Bentham suggesting for linking the price of goods to happiness was significant because according to Davis, Bentham's suggestion for linking the price of goods to happiness. Davis or Bentham's? Davis writes, Bentham's activities were those which we might know with the public sector management consultant. He wrote, the home office assistant departments are going to be linked together through a set of conversation tubes and the Bank of England. It was the first successful way of assessing happiness. It established a connection between word and psychology. It was the first successful example of psychologist research. It involved consideration of the rights of consumers. Work and psychology. Suggesting the department of government be linked together through a set of conversation. So, our answer kya hai yahan pe? B. वर्क भी करते हैं और कनेक्शन भी रखते हैं. जर्मी बेंथम इधर है. जर्मी बेंथम अब देख लो यहाँ पे देख लेते हैं. जर्मी बेंथम वाज एक्टिव इन अदर एरियाज बिसाइड्स फिलोसफी इन द 1790s. ही सजेस्टेड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द डैश. क्या इम्प्रूव करने के लिए उसने टेक्नोलॉजी बनाई थी 1790s में? सेवनटीन नाइन्टीज किधर है? 1950 आ गया यहाँ पे देख लें ज़रा. 1790s भी आ गया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने हमसे. जर्मी बेंथम वाज एक्टिव इन अदर वेरियस बिसाइड फिलोसफी इन द 1790s. ही सजेस्टेड टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इन द 1770s. टू रोड होम ऑफिस सजेस्टिंग दैट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बी लिंक टूगेदर थ्रू अ सेट ऑफ कन्वर्सेशन. द बैंक ऑफ इंग्लैंड विद अ डिज़ाइन फॉर प्रिंटिंग डिवाइस दैट कुड प्रोड्यूस. कम्युनिकेशन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन ये हमने कहाँ से दिया? ये देखिए सेट ऑफ कंवर्सेशन ट्यूब्स. नेक्स्ट पेज जरा. ही डिवेलप्ड अ न्यू वे ऑफ प्रिंटिंग बुक नोट्स टू इंक्रीज द डैश एंड आल्सो डिजाइन अ मेथड बुक नोट्स टू इंक्रीज द डैश. प्रिंटिंग डिवाइस दैट कुड प्रोड्यूस विद अ डिज़ाइन फॉर प्रिंटिंग डिवाइस दैट कुड प्रोड्यूस produce unforgettable when he draw up plans for a fridge to keep provisions such as meat, fish and fruits and vegetables. Our answer kya hai? To keep provisions. Security. B. And also designed a method for dash of food. Method of dash of food. Designed for a prison to be known as. This is designed for a prison to be known as penopitson, in which prisons would be kept in solitary confinement while being visible all the times to the guards. जिसका guards को पता नहीं होगा उन्होंने छुट्टी क्या लगाया होगा. प्रिजन वुड बी कैप्ट इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट व्हाइल बीइंग विजिबल एट ऑल द टाइम टू द गार्ड्स वाज वेरी नियरली अडॉप्टेड. मतलब गार्ड्स को पता नहीं होगा लेकिन उन्होंने प्रिजनर्स के लिए क्या लगाया? प्रिजर्वेशन.
जी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ही आल्सो ड्रू अप प्लान्स फॉर अ प्रिजन व्हिच अलाउड द डैश ऑफ प्रिजनर्स, ही आल्सो ड्रू अप प्लान्स फॉर प्रिजन प्लान्स फॉर प्रिजन्स ही डिजाइन फॉर अ प्रिजन टू बी नोन एज इन व्हिच प्रिजन वुड बी केप्ट इन अ सोल्डरी व्हाइल बीइंग विजिबल टू ऑल द टाइम टू द गार्ड्स ऑल द टाइम विजिबल टू द गार्ड्स अलाउड द ऑब्जर्वेशन अभी हम लिखेंगे ई। नेक्स्ट पे आ जाए जरा। व्हेन रिसर्चिंग हैप्पीनेस ही इन्वेस्टिगेटेड पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स डैश एंड सजेस्टेड सम मेथड्स ऑफ डूइंग दिस। ही इन्वेस्टिगेटेड पॉसिबिलिटीज फॉर इट्स डैश एंड सजेस्टेड सम मेथड्स ऑफ डूइंग दिस फॉर इट्स डैश। मॉडल प्रिजन इंस्ट्रूमेंट आंसर हमारा यहाँ पे क्या है मेथड ऑफ डूइंग दिस तो मेजरमेंट। अब आज क्वेश्चन नंबर 35 to 40 ये क्या होता है ये हम लोगों को उनने बताया होता है लेकिन इसको सिनोनिम्स में दिया गया होता है जिसको हम लोगों ने अपनी सेंस का इस्तेमाल करके लगाना होता है। टू द फॉलोइंग एग्री विद द यस नो नॉट गिवन ट्रू क्या होता है जो स्टेटमेंट दी गई है नॉट क्या नॉट क्या नो क्या होता है जो स्टेटमेंट दी गई है लेकिन गलत है और नॉट गिवन क्या होता है जो स्टेटमेंट दी ही नहीं। वन स्ट्रेंथ ऑफ द हैप्पीनेस स्टडी इज इट्स डिस्कशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। वन स्ट्रेंथ ऑफ द हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज डिस्कशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। हैप्पीनेस डिस्कशन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स happiness we can give no further external reason it's just obviously does matter so answer kya hai hamara relationship of not given aisi koi baat nahi unki it is more difficult to measure some emotions than others to measure some emotions than others emotions यहाँ पे How the inner states of pleasure and displeasure can be objectivement has informed management studies and advertising. यहाँ पे आंसर क्या है हमारा इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू मेयर सम इमोशंस दैन अदर्स इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू मेयर सम इमोशंस दैन अदर्स वी लर्न मच दैट इंटरेस्टिंग बट अबाउट हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर डिफाइंड वॉज ह्यूमन बींग्स कुड बी शेप्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय पॉलिटिशियंस and no factual basis for his view of human action no factual basis answer kya hamara it is more difficult to measure some emotions than others it is more difficult इट इज़ मोर डिफिकल्ट दैन इसको हम नॉट गिवन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दैन दिया है दैन हमेशा 90% क्या होता है नॉट गिवन होता है। अब इसको हम दोबारा देख लेते हैं क्या हमने ये गलत लिख दिया है। वन स्ट्रेंथ ऑफ द हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज डिस्कशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी यहाँ पर मैंने पढ़ा था
ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बीइंग डिफाइंड एंड ट्रीटेड एज साइकोलॉजिकल मेलोडीज। हमारा आंसर ये क्या है, ये ट्रू है, क्योंकि मैंने पहले पीछे पढ़ा था, वहाँ से मुझे हाथ समझ नहीं आई, इसलिए मैंने इसको दोबारा पढ़ा है। वाटसन आइडियाज एंड बिहेवियर वर सपोर्टेड बाई रिसर्च ऑन ह्यूमंस ही कैरीड आउट बिफोर 1915। वाटसन आइडिया एंड बिहेवियर वर सपोर्टेड बाई रिसर्च ऑन द ह्यूमंस ही कैरीड आउट बिफोर 1915। ये हैड नो फैक्चुअल बेसिस फॉर हिज व्यू ऑफ ह्यूमन एक्शन व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी यूनाइटेड। ही हैड नेवर इवन स्टडीड अ सिंगल ह्यूमन बीइंग। उसने तब तक तो पढ़ा ही नहीं था। तो वाटसन आइडियाज एंड रिसर्च ऑन ह्यूमंस ही कैरीड आउट बिफोर नहीं आफ्टर उन्होंने उसने किया। तो आंसर क्या है हमारा, फॉल्स है। रिसर्च उसने किया लेकिन आफ्टर किया। वाटसन आइडियाज हैव बीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन गवर्नमेंट आउटसाइड अमेरिका। अमेरिका से बाहर जो है वो इन्फ्लुएंशियल है। अमेरिका की बात किधर है, अमेरिका की बात ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है, नॉट गिवन। द नीड फॉर हैप्पीनेस इज लिंक्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। द नीड फॉर हैप्पीनेस इज लिंक्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैरिंग इनके हैप्पीनेस टू मोटिवेट देम इन देयर लेबर्स। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज अपीयर टू नीड द पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल इंक्रीजिंग हैप्पीनेस टू मोटिवेट देम इन देयर लेबर्स। द नीड टू हैप्पीनेस, ठीक है। द एम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ द पॉपुलेशन। द एम द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी टू इंक्रीज द हैप्पीनेस ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो झूठी होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या कहते हैं। द आइडिया दैट गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग हैप्पीनेस इज ऑलवेज थ्रेट ह्यूमन फ्रीडम। क्या करते हैं, हमेशा इंसानों की फ्रीडम को थ्रेट करते हैं। तो आंसर देख लें हमारा, फॉल्स ही हो गया। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स जो है वो आवाम के खिलाफ ही है। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। शुक्रिया, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।